CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है नवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक। पेश है नवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू। अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग एक का नवा पाठ, खलीलुर रहमान आजमी, सफा 21। तारुफे शायर खलीलुर रहमान आजमी, पैदाइश 1927, इंतकाल 1978। खलीलुर रहमान आजमी सराय मीर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। आजमगढ़ से हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल की, फिर वहीं शोबाए उर्दू से वाबस्ता हो गए। तवील बीमारी के बाद अलीगढ़ में इंतकाल हुआ। खलीलुर रहमान आजमी ने गजलें भी कहीं और नज़में भी, लेकिन उनकी गजलें अपने धीमे अंदाज, दर्दमंदाना लहजे, फिक्री तजस्सुस और एहसास की ताजगी के बायस ज्यादा पसंद की गईं। वो पुरानी तशबीहों और इस्तारों से गुरेज करते थे। वो नई गजल के अव्वलीन मैमारों में शामिल हैं। उनके कलाम के मजमूए कागजी पैरहन, नया अहदनामा और जिंदगी ए जिंदगी के नाम से शाये हुए। नसरी किताबों में उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, मजामीन नौ और फिक्रो फन शामिल हैं। उन्होंने तीन किताबें नवाए जफर, मुकदमा कलाम आतिश और नई नज्म का सफर मैं मुकदमा मुरतब की हैं। सफा 22। गजल गो शायर खलीलुर रहमान आजमी की गजल। अब पेश है खलीलुर रहमान आजमी की गजल। तेरी सदा का है सदियों से इंतजार मुझे, तेरी सदा का है सदियों से इंतजार मुझे, मेरे लहू के समंदर जरा पुकार मुझे, मेरे लहू के समंदर जरा पुकार मुझे। मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं, मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं, उरूजे फन मेरी दहलीज पे उतार मुझे, उरूजे फन मेरी दहलीज पे उतार मुझे। उबलते देखी है सूरज से मैंने तारीकी, उबलते देखी है सूरज से मैंने तारीकी, नाराज आएगी ये सुबह जरनिगार मुझे, नाराज आएगी ये सुबह जरनिगार मुझे। कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पांव चूमूंगा, कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पांव चूमूंगा, जमाना लाख करे आके सिंगार मुझे, जमाना लाख करे आके सिंगार मुझे। वो फाका मस्त हूं जिस राह से गुजरता हूं, वो फाका मस्त हूं जिस राह से गुजरता हूं, सलाम करता है आशूबे रोजगार मुझे, सलाम करता है आशूबे रोजगार मुझे। खलीलुर रहमान आजमी। मश्क, सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर एक, मतले में शायर को किसकी सदा का इंतजार है? सवाल नंबर दो, शायर अपने घर को बुलंदी की बजाय
दहलीज पर उतरकर क्यों देखना चाहता है। सवाल नंबर 3, दर्जे ज़ील शेर में क्या कहा गया है। कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पांव चूमूंगा, जमाना लाख करे आके सिंगार मुझे। सवाल नंबर 4, गजल के आखिरी शेर में शायर किस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है। इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ। गुलजारे उर्दू भाग 1 का नवा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद पाठ 10 आता है। प्रस्तुति CIET NCERT।